आज की रात हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की आखिरी रात है। कल का सूरज आजादी की खुशियां लेकर आएगा। हिंदुस्तान की सभी रियासतों की तरह रियासत रामगढ़ में भी आजादी की खुशियां मनाई जाएंगी। कल आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों हिंदुस्तानी अपने अपने घर लौटेंगे आजादी की खुशियां मनाने। कल 15 अगस्त 1947। माँ, तुझे किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? माँ, अब दरवाजे बंद करने की कोई जरूरत नहीं, अंग्रेजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी राज खत्म हो गया, हम आजाद हो गए आजाद। तुम सोई रह गई और आजादी का सूरज देशवासियों के आंगन में उतर आया। धन्य है आज का दिन। हाँ, धन्य 15 अगस्त। माँ, आज तू सूरज की पहली किरण देखती ना, तो तुझे उसमें एक अनोखा रंग दिखाई देता, शहीदों के बलिदान का रंग। हाँ। भैया। अरे रानो, मेरी बहन, मेरी मुन्नी, आज तेरे पति भाई अमर सिंह की कुर्बानी भी रंग लाई। भारत आजाद हो गया, हम आजाद हो गए। और माँ, तेरे संग्राम का वनवास भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। संग्राम, जानता हूँ ये सब तुम किसे सुना रहे हो? माँ बहन के साथ अपनी बीवी और तुम्हारी भाभी को। भाभी, ओ भाभी। अरे ओ बीवी। मेरा नाम भारती है। भारती, भारत आजाद हो गया, आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपने पूरे हो गए। करोड़ों के हुए कि नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तानी पत्नी का सपना पूरा हो गया है। मतलब? मैंने भगवान से प्रार्थना की थी तुम्हारी वापसी की, लेकिन उसने तो देश ही आजाद कर दिया। अजीबा, बलिदानियों का बलिदान एक तरफ और आपकी प्रार्थना से ही देश आजाद। चलो, किसी तरह भी हुआ देश आजाद तो हो गया। आजाद तो हो गया देश, लेकिन तुम कैद हो गए हो। कैसे?
अपने घर में, अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास, अपनी भारती के पास और अपने बेटे शक्ति के पास है। शक्ति कहाँ है? शक्ति कहाँ है? शक्ति सो रहा है। कमाल है, देश आजाद हो गया और आज के बच्चे, आज की नस्ल सो रही है। संग्राम सिंह मास्टर जी, दीनानाथ जी आया। अरे ओ मास्टर जी, वाह 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 वाह, आजादी आजादी मुबारक हो संग्राम सिंह। बोलो भारत माता की जय। ये संग्राम सिंह देखो तो, तुमसे मिलने कलेक्टर साहब आए हैं। काला टर नहीं संग्राम सिंह, कलेक्टर बोलो। हाँ जो भी हो, खैर यहाँ किस लिए? हम चाहते हैं कि जो अपराध ब्रिटिश रूल में तुम बार बार करते आए हो, आज हमारी नजरों के सामने फिर करो, ताकि आप मुझे पकड़कर कैदखाने में फेंक दें और मैं वहां चक्की पीसता रहूं। अरे ओ बीवी, अरे ओ भारती, तेरे हाथ का बना हुआ खाना आजादी के बाद भी अपनी किस्मत में नहीं लगता। वैसे कौन सा अपराध? सदर, ब्रिटिश राज में तिरंगा लहराने का अपराध। वो कोई अपराध नहीं था। हाँ संग्राम सिंह, हाँ तुम्हें आजादी के पहले दिवस पर तिरंगा लहराने के लिए हम सब ने चुना है। इतना बड़ा सम्मान हर मुझ जैसे साधारण नागरिक को, इस शुभ काम के लिए तो किसी बड़े नेता को बुलाना चाहिए। नहीं संग्राम सिंह, नहीं, आजादी की लड़ाई तुम जैसे गुमनाम सिपाहियों ने लड़ी है, मुझ जैसे टाई बांधने वालों ने नहीं। तो आज से मैं तुम्हें काला टर नहीं कलेक्टर कहूंगा, देशवासी कहूंगा। सुना बीवी? हाँ सुना। जरा मैं भी तो देखूं, गोलियां खाने वाला मेरा पति तालियों के सामने कैसे टिकता है। आओ संग्राम, अपने हाथों से इस तिरंगे को आसमानों की ऊंचाइयों तक लहरा दो। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मंगल पिछले 2000 साल से हमारे पूर्वज इस रियासत पर राज करते आ रहे हैं। अब हमारा राज खत्म हो गया और राज प्रजा का होगा और हमें 10,000 रुपया सालाना प्रीवी पर्स मिलेगा। 10,000 रुपया शिशुपाल हमने अपने कुत्ते की शादी पर खर्च कर दिया। यह हमारा घोर अपमान है। हम इस सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। हरिओम हरिओम, क्रोध को रोकिए राजा साहब, धीरज से काम लीजिए। सत्यानंद, हमारी हस्ती मिटाई जा रही है और तुम हमें कह रहे हो कि क्रोध से काम न ले, धीरज से काम ले। हमारे राज सब कुछ रह सकता है राजा साहब, अगर आप मेरी बात गौर से सुने। बको, राजनीति और धर्म ये दो ऐसे शस्त्र हैं जिससे कोई भी बंधन काटे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। शिशुपाल, हम तुम्हारी बात नहीं समझे। अगर रियासत में सिर्फ आपके उम्मीदवार चुने जाएं, तो आपका राज झोंका त्यों बना रहेगा। और धर्म अफीम की वो गोली है जिससे सारी जनता को मस्त रखा जा सकता है। इसलिए भाइयों, आज हमारा धर्म संकट में है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी मान मर्यादा बनी रहे, तो अपना अमूल्य वोट राजा साहब के उम्मीदवार को ही दें। ब्रिलियंट शिशुपाल, ब्रिलियंट। सत्यानंद, आज से हम तुम्हें अपने सबसे बड़े मठ मुक्तेश्वर का महंत घोषित करते हैं। जय हो, हरि ओम। और शिशुपाल जी, तुम और ठाकुर शिवपाल सिंह हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ोगे। संग्राम सिंह।
सरदार। बोलो प्रताप। मास्टर जी आए हैं। ओ मास्टर जी बोलिए। याद है ना इनकी बेटी जूही की सगाई करवाई थी आपने? अब आज्ञा लेने आए हैं कि शादी कब हो? अरे भाई नेक काम में देरी किस लिए, मेरी तरफ से आज कर दो। मास्टर जी कह दीजिए अपने समधियों से कि हम लड़की देंगे, उसका कन्यादान करेंगे, लेकिन दहेज नहीं देंगे। देशवासियों हम लोग आजाद हैं। अब हर गांव में पक्की सड़क होगी, हर घर में बिजली होगी, हर गांव में स्कूल होगा, हर गांव में अस्पताल होगा। आइए आइए कलेक्टर साहब आइए। अरविंद के लिए कुछ पीने को लाओ। क्या पिएंगे आप, फ्रांस की ब्रांडी या स्विट्जरलैंड की विस्की? मैं बांध की चाबियां लेने आया हूँ। बांध का पानी छोड़ना होगा। बांध की चाबियां? इम्पॉसिबल, कभी नहीं। कलेक्टर कह दो अपने देशवासियों से मंदिर में जाएं, देवी माँ के चरणों में प्रणाम करें और देवी के चमत्कार से पानी प्राप्त कर लें, या फिर मेघ मल्हार गाएं। बरसो रे बर बर सो रे बर सा। ये कौन? हमारे सिपाही, हमारे एक इशारे पर तुम्हें। शमशेर, ये कौन? आजाद भारत सरकार की पुलिस और मैं कलेक्टर, आजाद भारत का कलेक्टर, समझे? अरे ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब? कलेक्टर साहब आपको आपको चाबियां चाहिए ना डैम की? ये रही चाबियां। शिशुपाल। राजा साहब आप समझते नहीं हैं, देशवासियों के भले में ही हमारी भलाई है। हाँ ये लीजिए चाबियां। नमस्ते, जाइए। शिशुपाल तुम्हारी ये चाल हमारी समझ में नहीं आई। राजा साहब पानी, अब पानी में अगर कोई भी चीज मिला दी जाए तो पानी का रंग उस जैसा क्यों हो जाता है? क्यों है? चल शिशुपाल। युवराज जन्मदिन मुबारक हो। पानी में जहर मिला हुआ है, कोई पानी ना पिए, सबको मना कर दो। सिपाही पकड़ लेते। कल के राजा प्यास लगी है, तुम्हारी प्यास शराब से नहीं, शराब से नहीं बुझेगी, तुम्हारी प्यास इससे बुझेगी, इसे पीने के बाद प्यास तुम्हें सारी जिंदगी नहीं तरसाएगी। क्या है इसमें? ये वो अमृत है जिसमें तुमने जहर मिलाकर अनगिनत देशवासियों को मार डाला। पियो इसे। तुम और तुम्हारा खून अगर हम देशवासियों से अलग है तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि जिस पानी को पीने से सैकड़ों देशवासी मारे गए उसे तुम पियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पियो। नहीं पियो ना। नहीं तुम्हें पीना होगा। पियो। नहीं। और जल्लाद
संग्राम! संग्राम, इस वक्त यहां से निकल जाना अच्छा होगा। चलो। युवराज, युवराज, संग्राम! संग्राम सिंह, इन सब दुखों का निशाना तुम हो। देशवासी के सीने से गोली पार नहीं होती, वापस जाती है। अपने कमजोर सीनों को बचाओ। चलाओ गोली। हाँ हाँ, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली। अरे भाग गए, अरे भाग गए, भाग गए। खामोश। भारती। सरदार। हाँ प्रताप। इलेक्शन की सारी तैयारियां हो गई हैं और अब ये मुझ पर और शिशुपाल पर छोड़ दीजिए। भाइयों, आपका कीमती वोट इस सेवक को दे तालियां। भाइयों, आप अपना कीमती वोट इस गधे को नहीं, शेर को दीजिए, शेर को। भाइयों, जब संग्राम सिंह इलेक्शन में खड़ा हो तो कौन जीतेगा? संग्राम सिंह। और जूते, सड़े हुए अंडे, टमाटर कौन खाएगा? शिशुपाल, शिशुपाल, शिशुपाल। संग्राम सिंह जिंदाबाद। जीवन एक संग्राम है तेरा। रे हिंदुस्तानियों, आजादी की खुशी मना रहे हो? मुबारक हो, मुबारक हो। इतने धर्म,
इतनी भाषाएं। हे गोरे, इस धरती पे पलने वाले हर धर्म का आदमी इस आजादी के लिए बलिदान हुआ। अब देशवासी कट सकते हैं मगर देश को बटने नहीं देंगे। क्यों प्रताप? ठीक कहा सरदार। गोरे, अब तुम चुप रहो, हम गाएंगे। बोलो झूमो नाचो गाओ, गीत ये तकरीर नहीं, गीत ये तकरीर नहीं, अब गैरों के हाथों में हम सब की तकदीर नहीं, हम सब की तकदीर नहीं, हाथों में हथकड़ी नहीं, पांव में जंजीर नहीं, क्योंकि अब आजाद है हम सब, अब हम नहीं गुलाम, करो इस मिट्टी को प्रणाम, मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, अपने देश को संभालो, अपने देश को संभालो, सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम, उसके बाद करो झुककर उस मिट्टी को प्रणाम। यहीं पे जीना मरना हम, यहीं पे हंसना रोना है, इन खेतों से खलियानों से सोना पैदा होना है, जाग तेरे है ना मत सोना, जाग तेरे है ना मत सोना, ये मिट्टी नहीं है, है सोना, ये मिट्टी नहीं है, है सोना, बेच न देना किस सोने को तुम मिट्टी के दाम, करो किस मिट्टी को प्रणाम, मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, अपने देश को संभालो, अपने देश को संभालो, तो बात सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो राम राम, उसके बाद करो झुक कर इस मिट्टी को प्रणाम, मेरे देशवासियों, संभालो मेरे देशवासी, अपने देश को संभालो मेरे देशवासी, अपने देश को संभालो मेरे देशवासी, अपने देश को संभालो। संग्राम सिंह जिंदाबाद के नारे रियासत के हर गांव में गूंज रहे हैं, जनता बागी होती जा रही है, वो संग्राम सिंह के लिए कट मरने को तैयार है। संग्राम सिंह उस बीमारी का नाम है सत्यानंद, जो रियासत की नसों में फैलती जा रही है, अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो हम सब मारे जाएंगे। हरिओम। शिशुपाल जी, आपकी हालत किसने कर दी? जनता ने। जनता? कौन सी जनता? अरे वही जनता, हमारी जनता, वही जनता जो एक राजा को तख्त से उतार कर जमीन पे खड़ा कर देती है, वो जनता। बकवास शिशुपाल। राजा साहब, अगर मैं हार गया तो आप भी हार जाएंगे, और अगर संग्राम सिंह ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो मेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी, और अगर मेरी जमानत जब्त हो गई तो क्या मेरे घाटे में आप भी हिस्सेदार रहेंगे, बताइए। राजा साहब, हमें किसी भी तरह संग्राम सिंह को इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए, वरना हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। सत्यानंद, हरिओम, तुम्हारी बहन को विधवा बनाना है। जरूर बनाइए, जरूर राजा साहब, जरूर बनाइए। मेरी बहन भारती को विधवा बनाने का एक ही तरीका है। वो क्या? जीजा संग्राम सिंह और प्रताप दशहरे की रात मंदिर में देवी पूजन करते हैं, देवी को नहलाते हैं, नया मुकुट पहनाते हैं और घंटों बंद दरवाजे में समाधि लिए बैठे रहते हैं।
हम सब मिलके मंदिर में चोर दरवाजे से अंदर जाएंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। अरे ओम हरि ओम सत्यानंद। जय माता जी। जय माता की। ओम त्रिनेत्राम हस्ती संयुक्ता सर्वलंकार भूषताम विजंत्वा माम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशनी। ओम शांति। स्वामी जी मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद है। क्यों बंद है भाई? जब तक संग्राम सिंह जी की पूजा खत्म नहीं होती वो अपनी आंखें भी नहीं खोलते। और स्वामी जी धरती कांप जाए भूकंप भी आ जाए तो भी संग्राम सिंह जी देवी माँ की पूजा खत्म किए बिना अपनी जगह से नहीं हिलते। हरिओम राजा साहब मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद है और संग्राम सिंह देवी की पूजा में मगन। राजा साहब अब देखते हैं कैसे बचता है। शिशुपाल आवाज करेगा। राजा साहब संग्राम सिंह तो मर चुका है उसके बाद भी आपने उसे चाकू मार दिया। इसलिए कि जब देशवासी मंदिर में आएंगे तो उन्हें संग्राम की लाश मिलेगी और लाश में गड़ा होगा प्रताप का चाकू और देवी मां के सर से सोने का मुकुट गायब होगा। लोग समझेंगे कि प्रताप ने संग्राम का खून कर दिया और फिर सोने का मुकुट लेकर भाग गया। सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, उसके बाद सरो झुक कर इस मिट्टी को प्रणाम। आज मैं अपने मासूम बच्चे की जुबान बनकर कसम खाती हूँ मेरा शक्ति अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। वो प्रताप सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे संग्राम सिंह का कातिल संग्राम सिंह का कातिल है, भागो मारो इसे। राजा साहब देशवासी मेरे खून के प्यासे हो गए हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी जी जान से सेवा करूंगा। प्रताप सिंह हमारे यहाँ कई तरह के जानवर पलते हैं जैसे हाथी शेर चूहे कुत्ते बिल्लियां और आदमी, और हम उन सब के सामने बोटी का एक टुकड़ा डाल देते हैं। चलो
आज से तुम्हारे सामने भी बोटी का एक टुकड़ा डाल दिया करेंगे। ये लो, ये तुम्हारे लिए, खा लो खा लो। भारती भाभी और देशवासी मुझे गलत समझते हैं, लेकिन भगवान, भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी भारती भाभी के किसी काम आ सकूं और अपने माथे पे लगे इस कलंक को मिटा सकूं, चाहे इसके लिए मेरी मेरी जान क्यों ना चली जाए। संग्राम के बाद राजा के लोग किस बेदर्दी से गांव वालों को मार रहे हैं। अरे देख ना, इधर देख, ये तो मास्टर जी की लड़की को उठाकर ले गए। अरे मेरी बेटी को कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को। महाराज, मेरी शादी होने वाली है महाराज, मुझ पर दया कीजिए। भाई तुम बहुत जिद्दी हो, ठीक है जो तुम कहो। जाने से पहले हम ये तुम्हारी आंखों पर बांध देते हैं ना, इसे बांधकर अगर तुम यहां से निकलने में कामयाब हो गई तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर तुमने किसी को छू लिया फिर ये उसका उसका दोष नहीं होगा। चलो संग्राम की अमरा रामगढ़ शमशान बन गया, अब कौन है जो हमारे दुख दूर करेगा? राजा साहब, अब तो आप महल के दरवाजे खुले ही रखिए, अब तो ऐश ही ऐश है। हाँ शिशुपाल, संग्राम सिंह मर चुका है, अब इन नपुंसकों की बस्ती में ऐसा कोई नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। तो फिर इसी बात पर हो जाए चीयर्स। चीयर्स। देखो बात, संग्राम सिंह का खून हमने नहीं किया, उसका खून तो प्रताप सिंह ने किया है। क्यों राजा साहब, प्रताप सिंह ने किया है। ये देखा, मेरे माथे पर बिंदिया, इसमें मेरे पति का खून मिला हुआ है और खून का रंग पक्का होता है। सुना, मेरा संग्राम कभी नहीं मर सकता, अपने देशवासियों की खातिर जीने वाला इंसान कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। आज के बाद इस रियासत में कोई जुल्म नहीं होगा, जुल्म और जुल्म करने वालों दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। आज मैं तुम दोनों को जलते हुए देखूंगी और अगर तुम हिले तो तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगी। Thank you.
शक्ति को लेकर पिछवाड़े से चली जाओ। अगर तू शक्ति को लेकर कहीं दूर नहीं गई तो वंश मिट जाएगा। शक्ति जुल्म की यह कहानी चलती रही। राजा और उसके साथी जुल्म करते रहे और बेचारी जनता जुल्म सहती रही। राजा नहीं चाहता था कि जनता का अपना कोई नेता हो, इसलिए हर वो आवाज जो जुल्म के खिलाफ उठती उसे खामोश कर दिया जाता। ईमानदार सरकारी अफसर बेबस थे। राजा ने अपनी सरकारी पहुंच से उनका तबादला करवा दिया। राजा के उम्मीदवार इलेक्शन जीतते रहे और उनका राज्य कायम रहा। मंदिर का चढ़ावा भी राजा के साथ ही लूटते रहे और राजा को सोने की ईंटों से तराजू में तोला जाता। गरीब जनता और भी गरीब होती चली गई, लेकिन राजा और उसके जुल्म के खिलाफ उठने वाली एक आवाज थी संग्राम सिंह की पत्नी भारती की आवाज। भारती जो अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में रहती और राजा और उसकी फौज का मुकाबला करती। संघर्ष में वक्त चलता रहा और इस कश्मकश को 20 साल हो गए। राजा के सिपाही आज भी गरीब किसानों पर जुल्म करते हैं, लेकिन जहां जहां जुल्म होता वहां भारती पहुंच जाती और ईंट का जवाब पत्थर से देती। जीती रहो भारती,
भारती अब एक मजबूत चट्टान बन चुकी है जिसे काटना नामुमकिन हो चुका है। अरे कब तक तू जंगलों में भटकती रहेगी, कब तक? जिस दिन शक्ति वापस आ जाएगा माँ, अपने बाप का अधूरा काम पूरा करेगा, उस दिन मेरा ये वनवास भी खत्म हो जाएगा। देखना माँ, अपने बाप के रंग में रंग जाएगा मेरा शक्ति। शक्ति मेरी जान, मैंने तो उसे ऐसे रंग में रंगा है कि अब सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। शक्ति बच्चन, बंबई की ऐसी कोई जेल नहीं जो शक्ति को ज्यादा देर तक कैद रख सके। पुलिस को खबर कर माल लेकर फरार हो गया। मुझे छोड़ दो शक्ति, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो बता वो माल कहाँ है जो हमने एक साथ लूटा था? वो सारा माल मैं लोनियों की अयाशी में गवा चुका हूँ। मत मारो। मेरे पास ये चाबी है और ये जीप भी बची है। मैं काम पे जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। माँ, अब और क्या है? माँ कुछ पैसे मिलेंगे? अरे जितने पैसे थे तेरी जमानत में लगा दिए, अब और कहाँ से लाऊं? कहे तो फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं, तेरी तरह चोरी करने लगूं? बुढ़िया कुछ भी तो घर में नहीं रखती। ये ट्रंक हमेशा बंद रहता है, जरूर इसमें कोई कीमती सामान है। ये भी खाली, सिर्फ खत। मेरी प्यारी रानू, शक्ति अब बड़ा हो गया होगा। उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई होगी। एक माँ अपने बेटे के होते हुए उससे जुदा रहे तो उसके दिल पर क्या बीतती है ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन इस जुदाई में ही मेरे बेटे शक्ति की भलाई थी। अब वक्त आ गया है मेरा बेटा शक्ति रामगढ़ लौटे और अपने पिता के छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करे। उसकी दादी उसके लौटने की राह देख रही है, वो चाहती है कि शक्ति आए और अपने बाप दादा की जमीन जायदाद को संभाले। रानो, मेरी आंखें मेरी शक्ति को देखने के लिए तरस रही है। लगता है बेटा मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई, भूल ही गई कि आज इतवार है, फैक्ट्री तो बंद है। माँ। हाँ? मेरी माँ कौन है? मैं बेटा।
माँ, मैं ये सब खत पढ़ चुका हूँ। तूने बचपन से मुझे झूठ क्यों बोला? क्यों मेरी असलियत छुपा के रखी? जवाब दे, क्यों मेरी असलियत छुपा के रखी? क्यों क्यों क्यों? सुनना चाहता है तो सुन। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। बेटे, मेरी बात तो सुन बेटा। हाँ, मैं रामगढ़ जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, वहां तेरे पिता के दुश्मन है, तेरी जान को खतरा है बेटा। हाँ, जान का खतरा तो इस झोपड़ी में है, इस गरीबी में। माँ, अब ये शक्ति एक चोर नहीं, एक गरीब इंसान नहीं, लाखों का मालिक है। क्या, लाखों का मालिक? हाँ माँ, लाखों का मालिक। अब तो मेरी असली माँ ने भी खत में लिख दिया है कि मेरे पिता मेरे लिए लाखों की जायदाद छोड़ गए। और माँ, अब वक्त आ गया है कि ये शक्ति अपने लाखों रुपए की जायदाद पर कब्जा करे। तूने रामगढ़ जाने का फैसला कर ही लिया है तो सुन, रामगढ़ के मंदिर के महंत तेरे मामा हैं। किसी भी चीज की या मदद की जरूरत हो तो उनसे मांग लेना। और वहां पे एक लड़की है मर्यादा, तेरे बचपन की साथी। लगता है कोई आ रहा है, तुम सब अपनी अपनी जगह ले लो। ओ मर्यादा, आज तो तेरी जान ही निकल जाती। जान के साथ साथ ये खाने पीने की चीजें भी हाजिर हैं। और ये लीजिए। शहर से कोई खबर आई? वहां सब ठीक ठाक है ना? हाँ शक्ति ठीक है। आज ही खत में तस्वीर आई है, देखोगे? ये लो। इसे भी कितना इंतजार है मेरी तरह शक्ति का। मेरी भक्ति में शक्ति है और शक्ति में भक्ति। शक्ति का कोई संदेशा? संदेशा आया। कब आया? हाँ? कौन लाया? खुद शक्ति की याद आई। आहिस्ता से मेरे दिल का दरवाजा खटखटाया और कहा, जैसे फूल और खुशबू, हो जैसे दिल और आरज़ू। लव यू, आई लव यू। हमारा पंछी
सुनिए। हाँ जी। आप इस मंदिर के महंत सत्यानंद को कहेंगे कि उनका भांजा है। जी धन्यवाद। कहिए, मैं ही हूँ स्वामी सत्यानंद। मैं हूँ आपकी बहन भारती का बेटा, आपका भांजा शक्ति। मेरी ना तो कोई बहन है और ना ही भांजा। हम बैरागियों का संसार के किसी भी प्राणी से कोई रिश्ता नहीं बालक। रिश्ता है तो केवल परमात्मा से। घबराइए मत मामा जी, मैं आपकी तपस्या भंग करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ अपनी माँ भारती के बारे में पूछने आया हूँ। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और तुम यहाँ क्यों चले आए? यहाँ कुछ नहीं रखा। रामगढ़ में रखा है सब कुछ, बहुत कुछ। राजा साहब, राजा साहब, गजब हो गया। संग्राम सिंह का बेटा शक्ति लौट आया है और वो अपनी मां से मिलने गांव जाना चाहता है। संग्राम सिंह का बेटा ही लौटा है ना? कोई फरिश्ता तो नहीं? पर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? इसलिए कि संग्राम के मरने के बाद जनता का अपना कोई नेता नहीं था,
अब उन्हें नेता मिल जाएगा, लीडर मिल जाएगा। संग्राम को मारकर भी हम उसे मार नहीं सके। उसकी आत्मा खुशबू बनकर पूरी रियासत में फैल गई है। गली गली में उसकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके बेटे के लौटने की राह देख रहे हैं। अब इन हालात में अगर लोगों को पता लग जाए कि उसका बेटा लौट रहा है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5403 साल पहले ये महल बनाया था महाराजा नीरज सिंह ने अपनी महारानी दुर्गा के लिए। ये मूर्तियां मूर्तियां ही नहीं बल्कि प्यार की दास्तान कहती हुई जीती जाती अप्सराएं हैं। जब शाम ढल जाती है और चांद निकल आता है तो ये अप्सराएं जी उठती हैं और प्यार की रास लीला रच जाती है। आज का ये टूर खत्म होता है। जय हिंद। राजू गाइड, परदेसी हूँ, अकेला हूँ। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां शाम रंगीन हो सके, एक से दो होने का समान हो सके? अगर राजू गाइड ऐसी कोई जगह जानता तो अब तक अकेला न होता, अपने लिए जरूर कोई रोजी चुन चुका होता। और अगर राजू गाइड को इजाजत हो तो अपने घर जाए और अपने चूल्हे का इंतजाम करे। सुनो राजू गाइड, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इसी बहाने इस शहर में कुछ वक्त कट जाएगा। आओ। अच्छा राजू गाइड, फिर मिलेंगे। चलो अब राजू गाइड की तो छुट्टी। अब पैदा होती है रक्षा। करूं रक्षा, तेरी रक्षा करने के लिए मुझे राजू गाइड बनना पड़ता है, क्योंकि इस भेड़ियों की बस्ती में भेड़ बनकर नहीं रह जा सकता। कौन है? बेटी मैं हूं प्रताप। चाचा कैसी हो बेटी? अच्छी हो चाचा। क्या आज फिर पुरानी यादों ने सताया है? जब भी पुरानी यादें सताती हैं दिल उदास होता है तो मैं तेरे पास आ जाता हूं। तुझे देखकर दिल हल्का हो जाता है। शक्ति इसी होटल में ठहरा हो और ये रही उसकी जीप। शक्ति की मौत के नाम। चार भाइयों, 20वीं सदी का कंस स्वामी सत्यानंद। कन्या इसे समझाओ, जो कंस नहीं कर पाया वो हमने कर दिखाया। कृष्ण मार डाला। ये सब
ये सब झूठ है। झूठ है ये सब। मुझे जल्दी खोलो राजू गाइड, दरवाजा खोलो राजू गाइड, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना मैं नींद में हूं, कल सुबह आना। राजू गाइड, राजू गाइड क्या हो गया, पागल हो गया तू? मैं शक्ति हूं, शक्ति। राजू गाइड एक लड़की, खबरदार जो आगे बढ़े वरना मैं जान ले लूंगी। मेरा विश्वास करो, इस वक्त जो तुम समझ रही हो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? आया था राजू गाइड से मदद मांगने, और किसी को नहीं जानता ना इस शहर में। मदद? हाँ, मेरी जान पे कातिलाना हमला हुआ है। लेकिन तुम्हारी जान कोई क्यों लेना चाहेगा? इसलिए कि मैं संग्राम सिंह का बेटा हूं। संग्राम सिंह का बेटा? हाँ, दुश्मनों ने तो इंतजाम पूरा कर रखा था। तुम लोग मेरी शराब पी पी कर शक्ति की मौत का जश्न मनाते रहे और वो जिंदा बच गया। राजा साहब वो 20वीं सदी के मामा कंस, माय फुट सत्यानंद, तुमसे मंदिर का चढ़ावा लूटने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, गोपाल तुम सिर्फ भाषण देते रहना और तालियां खाकर मोटे होते जाना। गेंडा सतपाल सिंह, अखबारों में शक्ति की मौत की खबर छप चुकी है, आप दोबारा किसी भी हालत में जिंदा ना होने पाए। वो रामगढ़ जाने की कोशिश करेगा, तुम ठाकुर शिवपाल सिंह से कहकर गांव को चारों तरफ से घेर लो और रामगढ़ जाने वाली हर सड़क पर पहरे बिठा दो। शूट एट साइट। क्या तुम्हारे गांव जाना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है, वहां तो मेरी दौलत है, मेरा खजाना है। दौलत? खजाना? मेरा मतलब है एक नेक औलाद के लिए उसकी माँ से बढ़कर कोई दौलत है नहीं। कौन है? बेटी मैं हूं प्रताप। चाचा हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। शक्ति बाहर आ जाओ, चाचा आए हैं। चाचा, शक्ति रामगढ़ तक हमें चाचा ले जाएंगे। क्यों चाचा? जरूर बेटी। ए बुड्ढे, कहाँ जा रहे हो तुम? सरकार बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं बापू, मैं नहीं जा रहा ससुराल। ओए कैसे नहीं जाना ससुराल? सरकार आप ही बताइए, बच्चे को ससुराल में होना चाहिए कि नहीं? नहीं बापू, वो कलमुआ हर बार कसम खांदा है कि हो नाखरी है, हो नाखरी है, पर आखरी करते करते छह हो गए, पर रोज आखरी नहीं हुआ। अब मुझे और नहीं सहन होता, मैं नहीं जाना ससुराल। ओए, क्या छारी जिंदगी बेटी को छाती पर बिठा कर रखू? सरकार आप ही बताइए, सरकार आप भी तो बहु बेटियों वाली होंगे ना? क्या बकवास करते हो? कुछ हो रहा है बापू। सरकार यहाँ यहाँ कुछ हो जाए तो, इससे पहले यहाँ कुछ हो जाए हम लोग जाएं। सरकार यहाँ। हाँ ठीक है, चलो। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
कलिंगर ताजा है। रक्षा, मैं इन लोगों को चकमा देकर दूसरे रास्ते से निकल जाता हूं। कूद जाओ तुम लोग, जल्दी कूद जाओ। चलो पलाटली। मेरा गांव यहां से कितनी दूर है? जंगल का रास्ता है, 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। सुनो रक्षा। हाँ हाँ रक्षा, अपना हाथ अपने पास रखो। पुरो सर हरम दादे को दोनों से। जी साहब, ये ट्रक और हम लोगों के जाने के बाद बर्फ खाने में ताला लगा देना, समझ गए ना? जी साहब। ये क्या, दरवाजा तो बंद हो गया। मौत रूप बदल बदल कर सामने आती जा रही है, अंदर बर्फ की ठंड और बाहर शिकारी कुत्ते। जब बर्फ बर्फ से टकराती है तो चिंगारी पैदा होती। हम तो इंसान हैं, तो जिसमें एक दूसरे से टकरा जाए तो गर्मी पैदा होगी। तुम्हारे जिस्म में गर्मी कम और हवस ज्यादा है। जब मौत आंखों में आंखें डालकर देख रही हो तो ऐसी बातें नहीं करते। आज हम हैं, कल लोग कहेंगे हम थे। क्या जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल ही होता है? आज और कल। कल किसने देखा कल आए ना आए, कल किसने देखा कल आए ना आए, फिर तेरी जुल्फों के मिले ना जाए। आज होता है जो लाए ना आए।
करो कुछ करो कुछ तो बदन गर्म हो, कुछ भी करो कुछ तो बदन गर्म हो। पकड़ो ना चल मेरा तुम कितने बेशर्म हो, जान है मुश्किल में तुम सोचो ये दिल में, अरे जान ये मुश्किल में तुम सोचो ये दिल में। पल दो पल हम हैं, पल दो पल भी क्या कम है, लट उलझी हुई उलझाने दो, लट उलझी हुई उलझाने दो, दूर जा न तुम पहचाने दो। कल किसने देखा कल आए ना आए, भेतरी जुल्फों के मिले ना साए। वो जिंदा है। क्या बात हो शुभा? मैंने कहा था ना बसंती कि मेरी भक्ति में शक्ति है और शक्ति में मेरी भक्ति है। हमारे आदमियों को ले जाकर गांव के चारों तरफ पहरा बिठा दो ताकि शक्ति सिंह गांव में दाखिल न हो सके।
और सुनो, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि शक्ति सिंह जिंदा है। क्या होगा? कोई आ रहा है। हमारी जान बचाने वाली कौन हो तुम? मैं मर्यादा हूँ। शक्ति, हम बड़े हो गए लेकिन हमारे नाम वैसे के वैसे हैं। मैं मर्यादा हूँ, तुम्हारे बचपन की साथी। मर्यादा? हाँ, मर्यादा। मर्यादा ये है रक्षा, इसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरी रक्षा की है। लेकिन अब गांव में दाखिल होना नामुमकिन है, क्योंकि राजा साहब के हुक्म से मेरे पिता ठाकुर साहब ने गांव के चारों तरफ पहरा लगवा दिया है। हाँ, लेकिन कोई तो तरीका होगा इस चक्रव्यूह को तोड़ने का। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस चक्रव्यूह में दाखिल होना पड़ेगा। लेकिन चक्रव्यूह में दाखिल होना तो मौत है। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम गांव में जिंदा पहुंच सके। हाँ, आप लोग यहीं ठहरो, मैं कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। मर्यादा, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, गांव में सब इस पागल की बारात के बारे में बात कर रहे थे, तो देखने चली आई। पागल? हाँ पागल, इसकी शादी नहीं होती थी ना, और जब शादी हो गई तो खुशी से पागल हो गया। क्या हुआ? ये दुल्हा आ गया। हाँ जी, ये दुल्हा आ गया। हाँ जी, इसकी दुल्हन आई। हाँ जी, हाँ जी, मैं दूल्हा बन गया। हाँ जी, मेरी दुल्हन आई। हाँ जी, मैं दूल्हा बन गया। हाँ जी, मेरी दुल्हन आई। हाँ जी, मैं दूल्हा बन गया। हाँ जी, मेरी दुल्हन आई। हाँ जी, दुल्हन तो मैं हूँ। मैं दूल्हा बन गया। हाँ जी, मैं दूल्हा बन गया। हाँ जी, मेरी दुल्हन आई। हाँ जी, मेरी दुल्हन आई। हाँ जी। जी, जल्दी से हाजी बोल दीजिए, वरना यहाँ से जाएगा ही नहीं। आई न बालू देम। हाँ जी, ये आ न लू देम। हाँ जी, ये आ न लू देम। हाँ जी, आई न बालू देम। हाँ जी, तुम उल्लू बन गए। हाँ जी, 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 हाँ जी। उस पहाड़ के पीछे तुम्हारा घर है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। दादी माँ, मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ। बड़ी कुत्ती चीज। जा अंदर ढूंढो। बता शक्ति कहाँ है? तुम लोगों ने ही मेरे पिता को मारा है। हाँ, हाँ, छोड़ दो इसे, छोड़ो। बुढ़िया, शक्ति कमरे में नहीं है और वहाँ भी नहीं है। चल। अब भी सोच ले, बड़ी कुत्ती चीज हूँ। मुझे नहीं पता। चल, अब बताता हूँ तुझे। तुझे नहीं मालूम है? नहीं ना? अब बताएगी। अब कहाँ है तेरा शक्ति? है? बुला तेरे शक्ति को। शक्ति! Thank you.
दो ताकि ये राजा को जाके बता सके कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। बेटा ये है तेरी माँ भारती। माँ, हाँ? माँ, माँ, माँ। आजा, आ? आजा राजा बेटा आजा 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 आजा, आजा। बेटा शक्ति माँ तुझसे मिलने की आस ने मुझे बहुत रुलाया शक्ति बहुत रुलाया बेटा बहुत रुलाया। माँ मिल गई है अब दौलत भी मिल जाएगी। चलो घर चलें। माँ ये रक्षा है इसने मुझे यहां तक पहुंचाया। चलो साथियों हमें अपने शूरवीर सतपाल सिंह की आरती उतारनी चाहिए। ये इतने बहादुर हैं कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर बिछड़े हुए मां बेटे का मिलाप करवा दिया, लेकिन उस दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखकर इनकी आंख में आंसू आ गए और ये अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके और वहां से सीधा दौड़कर हमारे पास चले आए हमें एक खुशखबरी देने के लिए। वाह सतपाल सिंह, लो अपनी आंख के आंसू पोंछ लो। आ हम तो भूल ही गए थे कि तुम इतना रोए हो कि तुम्हारी आंख के आंसू सूख चुके हैं। राजा साहब वैसे तो आप जानती हैं कि मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ, मगर भारती ने वहां आकर अचानक ही अचानक 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 अब अगर गोली चल जाए तो अचानक तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी और अचानक तुम्हारे सीने में से खून गिरने लगेगा, अचानक खून जमीन पर रिसने लगेगा और अचानक जमीन पर खून की नदी बहने लगेगी और फिर अचानक तुम जमीन पर गिरकर मर जाओगे और अचानक तुम्हें मरता हुआ देखकर हमारी आंख में आंसू आ जाएंगे और अचानक हम फूट फूट कर रोने लगेंगे और हमें रोता देखकर अचानक हमारे साथी भी रोना शुरू कर देंगे और फिर हमारे रोने की आवाज सुनकर अचानक देशवासी जश्न मनाएंगे। अचानक माय फुट सतपाल दुश्मन अचानक ही वार करता है इडियट। भारती हाँ मां इधर आ। आज तेरा बेटा बहू लेकर आया है। याद है जब मेरा संग्राम तुझे भी अकेला आया था तब मैं कितना नाची थी कितना गाई थी सुहाग गीत याद है तुझको? अरे बोल ना। नहीं माँ मुझे कुछ याद नहीं। लो और सुनो। अरे कोई सुहाग गीत भी भूलता है? इधर आ मैं तुझे बताती हूँ मुझे सब याद है सब याद है मुझे। ए राम रखी अपना ढोलक तो इधर ला मैं इसे याद दिलाती हूँ कैसे भूल गई है वो गीत। सावन का महीना बादल पानी लेके आ गया। सावन का महीना सावन का महीना मेरा राजा बेटा
शक्ति, ये लीला चाची है। इनके पति और दोनों बेटों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर गोलियों की बौछार हो गई। इस बंदूक से मेरे परिवार को खत्म किया था। मैंने इसे उनसे छीन कर संभाल कर रखा है। बेटा, जब तुम राजा को मारने चाहोगे ना, तो इसे बंदूक से मारना। इस बंदूक से हजारों गोलियां एक साथ निकलती हैं। राजा के शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। जैसे जैसे मेरे पति और मेरे बेटे के शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। चलाओगे ना बंदूक बेटा? बोलो, चलाओगे ना बंदूक? चलाओगे ना बंदूक? बोलो, चलाओगे ना बंदूक?
राजा जी, शक्ति सब जुल्मों का हिसाब करेगा, जरूर करेगा। शक्ति, यह है रामू काका। कौन? भारती? हाँ, इनकी आंखों के सामने इनकी बेटी की इज्जत लूटी राजा और उनके साथियों ने। बेटे शक्ति, उस हादसे को देखने के बाद मैंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। काश मैं अपने कान भी फोड़ पाता। बेटा शक्ति, मेरी बेटी की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। काका, वो दिन दूर नहीं, जुल्म करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। कोई बात नहीं शक्ति बेटे, कोई बात नहीं शक्ति बेटे, कोई बात नहीं। अगर मैं उन्हें तड़पते मरते नहीं देख पाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन मैं उन जालिमों की चीखों पुकार तो सुन पाऊंगा ना बेटे, सुन पाऊंगा ना। जवाब दो बेटे, मैं उनकी चीखों पुकार सुन। हाँ हाँ काका, आप जरूर सुन सकेंगे, आप जरूर सुनेंगे। सच कहता हूँ रक्षा, शहर में डॉक्टर ने कहा था गांव की गाय का ताजा ताजा दूध पीना तो सेहत बनेगी, कसम से। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा कहा था? तो कौन सी गाय का दूध पियोगे? हाँ ये वाली गाय का। ये वाली? शक्ति इधर आओ, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। चलो आंखें बंद, मुंह खोलो। क्या करती हो रक्षा? क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। शक्ति रक्षा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करने वाले हैं और अब तो माँ और दादी का भी आशीर्वाद है। आओ पागलपन है। आप तो जानते हैं मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा था और वो सपना आज टूट गया, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। जीते और मरते तो जानवर भी हैं, मगर इंसान वो जिसकी जिंदगी का कोई मकसद हो, और मरना वो जो किसी के काम आए। आप ही बताइए मैं क्या करूं। सुनो, अपनी जिंदगी देशवासियों के काम में लगा दो। हाँ, मैं अपने दुख दर्द भूलकर अपने देशवासियों के दुख दूर करूंगी, उनको सुख पहुंचाऊंगी। शक्ति, हमेशा की तरह ये लोग आसपास के गांव से अपना दुख दर्द और शिकायतें लेकर आते हैं। पहले इनका फैसला तुम्हारे पिता किया करते थे और अब तुम करोगे। हे भगवान, जिंदाबाद संग्राम सिंह अमर है।
सरकार ये आपके लिए आपके पिता संग्राम सिंह जी जैसा पहरावा तैयार किया है, कबूल कीजिए ना, लीजिए ना। धन्यवाद धन्यवाद। सरकार ये हमारा पहला बेटा है, इसे आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कर दीजिए। माँ, गांव में बच्चों का नाम क्या रखते हैं? कहा ना हर बात का फैसला तुम करोगे। तो इसका नाम शहर वाला रख देते हैं। क्यों, आज से इसका नाम रॉकी। रॉकी? रॉकी, चल बेटा रॉकी चल। राम राम। नई नई शादी हुई है, ये हार इन्हें दे दो। माँ ये तो बहुत कीमती है, आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो। देशवासियों, ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्शन यानी कि चुनाव फिर से आ रहा है। राजा के उम्मीदवार के खिलाफ इस बार हमारी तरफ से संग्राम सिंह का बेटा शक्ति सिंह चुनाव लड़ेगा। शक्ति सिंह संग्राम सिंह, शक्ति सिंह संग्राम सिंह। पिता का अधूरा काम उसका बेटा शक्ति करेगा। जो सपना संग्राम सिंह ने अपने देशवासियों के लिए देखा वो जरूर पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। ये कैसी चिचकारी, ये तो
बंदूक की गोली है आज होली है। चाहिए आप लोगों को, शक्ति जनता का प्यारा नेता बनता जा रहा है, लोग उसकी पूजा करने लगे हैं ठीक वैसे ही जैसे उसके बाप संग्राम सिंह की किया करते थे। वो जनता का राजा बन गया है और हम लोग भिखारी। अब हम शक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकते क्योंकि जनता अपने नेता को पहचान गई है, जान गई है।
और यह भी जान गई है कि जनता का दुश्मन कौन है। जनता जाग गई है दोस्तों, जनता जाग गई है। शक्ति तू तो जानता है मैंने तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? हाँ माँ, वो चिट्ठी में तूने लिखा था कि पिताजी कोई ज्यादा छोड़ गए मेले। इससे भी बड़ी जायदाद, ऐसी जायदाद जिसके सामने करोड़ों की दौलत कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी जायदाद है माँ? देशवासियों का प्यार, तूने देखा नहीं वो लोग तेरी पूजा करते हैं। माँ वो पूजा मेरी नहीं, मेरे पिता की करते हैं। जो तेरे पिता का है वो तेरा है, वो तुझ में तेरे पिता की परिछाई देखते हैं, तुझे अपना मसीहा समझते हैं। अब तुम्हें इन्हीं लोगों में रहना है। इन लोगों में, इन गंदे भूखे गरीब लोगों में, इस खतरे में? माँ यहाँ तक पहुँचने के ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा, कितनी गोलियों का सामना करना पड़ा। माँ मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मेरा समाज सुधारक बनने का कोई इरादा नहीं। कोई इरादा नहीं? जानते हो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या सोचा था? क्या इरादा था उनका? क्या इरादा था? भारती मैं इस धरती पे जी भी लूंगा तो कितने साल? 10, 20, 40? अरे ओ पगली, 40 साल तो इस देश के इतिहास के सामने एक कतरे से भी कम है, एक कतरे से भी कम है। सदियों से चला आ रहा हमारा देश और सदियों से बह रही इसमें गंगा माँ, लेकिन सुनो एक नदी और बह रही है जो दिखाई नहीं देती। वो नदी है बलिदान की, खून की, हमारे वंश की। जानती हो मेरठ में आजादी के लिए सबसे पहली गोली हमारे वंश वालों ने चलाई थी। भारती अंश खत्म होता है, वंश खत्म नहीं होता। वो मुझे छोड़ गए और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे शक्ति को छोड़ जाऊंगा। बेटे अगर मैं अपने सारे काम पूरे ना कर सका तो तू करेगा ना? बोल वंदे मातरम। वंदे मातरम। बेटा शक्ति अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर दे, देशवासियों के सपने साकार कर दे। माँ मेरा फैसला अटल है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरी दौलत चाहिए। दौलत दौलत दौलत, तुझे दौलत की पड़ी है? तू नहीं जानता है तेरे पिता का खून उसके साथी प्रताप सिंह ने किया है, और मैंने देशवासियों के सामने कसम खाई है कि प्रताप सिंह का खून मेरा बेटा शक्ति करेगा। बेटा शक्ति तू मेरा ये कर्ज चुका दे, उसके बाद तुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। माँ मैं खून खराबा करने नहीं आया, मैं खूनी नहीं हूँ। माँ खूनी नहीं है शक्ति सिंह, तेरी रोगों में संग्राम सिंह का खून है, मेरी नहीं तो उनकी पुकार तो सुन। कैसी माँ है तू, मुझे मेरा अधिकार देने से पहले मुझसे नरबलि मांगती है, किसी का खून करने को कहती है। और तू कैसा बेटा है जो अपने पिता के आदर्शों का खून कर सकता है लेकिन उसके दुश्मन का नहीं? जब तक मेरी कसम पूरी नहीं हो जाती इस दौलत पर तेरा कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दौलत तो मैं लेकर ही रहूंगा। साहब प्रताप देख लीजिए इसकी काली सूरत, डर के मारे फेस बदल कर घूम रहा है। अरे ये तो वही बुड्ढा है ना जिसने शक्ति की मदद की थी? हाँ ये वही बुड्ढा है। सांप को कितना ही दूध पिलाओ फिर भी वो डसने से बाज नहीं आता, क्यों प्रताप? लेकिन भाई आज तो मैं तुझे कुचल कर ही दम लूंगा। नकली दाढ़ी। अरे रे रे राजा साहब मरे को क्या मारना, शक्ति के बारे में सोचिए। हाँ तो भाई ऐसा है कि शक्ति की माँ ने कसम खाई है कि वो उसके हाथों तुम्हें मरवाएगी, लेकिन हमारे राजा साहब ने यह तय किया है कि तुम्हारे हाथों शक्ति को मरवाएंगे। अब सोच लो
तुम्हारे जिंदा रहने का यही एक रास्ता है और वो है शक्ति का खून। चल प्रताप चल, कहा था ना तुझसे कि मैं बड़ी कुत्ती चीज। राजा साहब, मुझे इस आदमी के तौर तरीके ठीक नजर नहीं आ रहे, अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो। दो हजार साल से हमारे पूर्वज इस तख्त पर बैठते आए हैं और इंसानी जानों को शाही घोड़ों के पांव तले रौंदने का तमाशा देखते आए हैं। तमाशा। हमारे घोड़े जिन्हें शराब पिलाकर पागल कर दिया जाता है और पागल घोड़ा किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। बस अफसोस ये होगा कि ये तमाशा हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, शक्ति और प्रताप की लाश हम जरूर देखेंगे। बेचारा शक्ति। शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, मैंने तुम्हारे पिता के खातिर प्रताप को घोड़ों के अस्तबल में देखा है। चाचा तुम? हाँ मालिक, मालिक आपका सेवक। सेवक किया मेरे बाप का कातिल? नहीं, मैं आपके बाप का कातिल नहीं हूं मालिक। मालिक मैं आपका सेवक हूं। तो क्यों सारी दुनिया, यहां तक कि मेरी मां भी तुम्हें कातिल समझती है? ये क्या कह रही हो रक्षा? आपकी कसम प्रताप चाचा निर्दोष हैं, तो फिर मेरे संग्राम को किसने मारा? संग्राम सिंह जी का कत्ल राजा और उसके साथियों ने किया है। तो फिर ये बात प्रताप ने मुझे आज तक क्यों नहीं बताई? प्रताप चाचा ने बहुत कोशिश की, लेकिन देशवासी उनके खून के प्यासे हो चुके थे। उन्होंने प्रताप चाचा को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। आप खुद ही सोचिए, जो आदमी अपनी जान खतरे में डालकर शक्ति को इस काल तक ला सकता है, वो उसके पिता का खून कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? मान लिया कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। मुझे एक भिखारी से राजा बनने के लिए प्रताप सिंह तुझे मरना होगा। मालिक, मेरा ये जिस्म, मेरी ये जान आपके किसी काम आए तो वफादारी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? उठाइए बंदूक मालिक, मेरा सीना आपकी गोली के लिए हाजिर है। मालिक आप यहां से निकल जाइए। मालिक, मालिक आप यहां से निकल जाइए। ये राजा की बहुत पुरानी चाल है, उसने खोड़ों को शराब पिलाकर पागल कर दिया है। मालिक निकल जाइए। मालिक मैं दरवाजा खोल देता हूँ, धुएं बाहर निकल जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं। भाभी, शक्ति बिल्कुल ठीक है। भाभी प्रताप, मुझे माफ करना, मैंने तुझे गलत समझा। मुझे माफ करना प्रताप, मुझे माफ करना। माँ, तेरी कसम पूरी हुई, अब तिजोरी की चाबी तेरे पास अच्छी नहीं लगती है ना माँ?
तो फिर एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि एक शेरनी ने गीदड़ को कैसे जन्म दे दिया। राजा साहब वो गीदड़ी सही, लेकिन सारी जनता तो उसे बबर शेर समझती है, अपना लीडर समझती है। अरे काय का लीडर, रामगढ़ छोड़कर भाग रहा है साला। अरे हाँ, और वो अपने साथ सारे जेवर और पैसे भी ले गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो रामगढ़ वापस लौटेगा, और तब कोई नया बखेड़ा शुरू हो गया तो। अरे ये तो हमारे हाथ में ही है। शिशुपाल ये भारती का वफादार साथी है। ओ। बेचारे को पैसे की जरूरत हमारे पास तक खींच लाई। इसकी जरूरत है पैसा और हमारी जरूरत है शक्ति की लाश। शक्ति बेटा, चुनाव बस होने ही वाले हैं। अगर तुम इलेक्शन के बाद चले जाते तो। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं रुक नहीं सकता। शहर में मेरा बहुत जरूरी काम है, क्षमा कीजिए। अबे तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। हाँ सुनो, यहाँ से निशाना कहीं चूक ना जाए, थोड़ा आगे चलकर गोली चलाते हैं। ठीक है चल। मेरी खातिर क्यों मर्यादा क्यों? हाँ शक्ति, जानते हो तुम सुख का वो सपना हो जो इस रियासत के हर देशवासी ने देखा। मैं अपने देशवासियों के सपनों को टूटते कैसे देख सकती थी, कैसे देख सकती थी? मर्यादा मर्यादा शक्ति, मुझे मंदिर ले चलो। मेरी गलतियां भूलकर मुझे हंसते हंसते विदा करो। मुझे माफ कर दे बेटी। कहाँ मेरी डोली, मेरी डोली उठाने के लिए उतावले हो रहे। शक्ति शक्ति, इस जन्म में ना सही अगले।
मेरा बेटा शक्ति मर चुका है, मेरा बेटा शक्ति मर चुका है, मेरा बेटा शक्ति मर चुका है, मर चुका है। माँ, तूने मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? तूने मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? क्यों दिया? जवाब दे। आज मुझे पता चला कि तेरे मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं, इसलिए कि तू सोई रहती है। लेकिन आज मैं तुझे जगा के रहूंगी, सब दुखों का हिसाब लेकर रहूंगी। बेटा शक्ति, मेरी बेटी की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। चलाओगे ना बंदूक बेटा, बोलो, चलाओगे ना बंदूक, चलाओगे ना बंदूक। माँ, मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मेरा समाज सुधारक बनने का कोई इरादा नहीं। उठाइए बंदूक मालिक, मेरा सीना आपकी गोली के लिए हाजिर है। मैं अपने देशवासियों के सपनों को टूटते कैसे देख सकती थी? मेरा बेटा शक्ति मर चुका है, मर चुका है। जागते रहना, मत सोना। जागते रहना, मत सोना। ये मिट्टी नहीं है, है सोना। मुझे माफ कर दे। Thank you.
ये सब कैसे हो गया? चाचा के आदमी ने आग लगा दी और जिंदा जला दिया हमारे देशवासियों को। माँ, अगर राजा ने हमारे घर जलाए हैं तो हम देशवासी उसका महल जला देंगे। अगर उसने हमारे देशवासियों को जिंदा जलाया है तो हम उसके खून से जमीन को लाल कर देंगे, लाल कर देंगे। माँ, माँ, उस शैतान के महल का रास्ता बताओ। शक्ति, जो रास्ता तुम भूल गए थे वो तुम्हें दिखाई दे गया है। अब तुम उस रास्ते पर आगे चलोगे और हम सब देशवासी तुम्हारे पीछे। माँ, पहले मैं इस महल का बारूद खत्म कर देता हूँ और जैसे ही महल में धमाका हो आप लोग हमला कर देना। शक्ति। हाँ माँ। अपना ध्यान रखना। अबे ओ दरबान के बच्चे, सो गया क्या? चल दरवाजा खोल। बारूद, खत्म हो गया, देशवासियों ने हमला कर दिया। लेकिन अब होगा क्या राजा साहब? होगा क्या शिशुपाल, हम लोग अंदर बैठेंगे, शराब पिएंगे और वहां से देशवासियों को मरता हुआ देखेंगे। चलो। हाँ, चलो। Thank you.
आदमी साले। घबराओ नहीं शिशुपाल, ये शीशा बुलेट प्रूफ है, गोली अंदर नहीं आ सकती। आजकल हम जैसे बड़े लोगों की इस तरह का बुलेट प्रूफ शीशा ही रक्षा करता है। गोली अंदर नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। अरे गोली। भारती, ये धर्म के कपड़े, ये माला, ये तो धर्म का पालन करने वाले पहनते हैं, धर्म का व्यापार करने वाले नहीं। मेरी बहन भारती है? हाँ बहन, पिछले कई सालों से भैया आप कभी मुझसे मिले नहीं और न कभी राखी बंधवाई। आज मैं तुझे ऐसी राखी बांधूंगी जो दुनिया में भाई बहन के प्यार की मिसाल हो। जरूर बांध भारती, राखी बांध। भारती बहन, ये सत्यानंद मेरा दोस्त बिल्कुल मेरे भाई की तरह है, तो मैं भी तो आपका भाई हुआ ना, मुझे भी राखी बांधिए। जरूर। बच गए, बच गए। मुझे छोड़ दो, तुम रामगढ़ दौलत के लिए आए थे ना, ये लो ये सारी दौलत ले लो, ये लो। शक्ति, संग्राम, संग्राम, संग्राम तुम? हाँ, 1857 से वही खून चला आ रहा है, वही जज्बा, वही भावनाएं। कल के राजा, मुझे अपने देशवासियों का बदला लेना है तुमसे। कौन हो तुम, शक्ति या संग्राम सिंह? शक्ति, संग्राम सिंह का बेटा शक्ति, वो शक्ति जिसके बाप का तुमने खून किया था, खून। मां, ये रहा तेरा मुजरिम। मैं नहीं, सब देशवासी करेंगे। देशवासियों, देखो तुम्हारा सबसे बड़ा मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या किया जाए इसके साथ, क्या फैसला आप लोगों का? अरे
क्या कर रहे हो? ये खेल तो तुम्हारा शुरू किया हुआ कल के राजा, अगर तुम इस महल से बिना किसी देशवासी को छुए बिना निकल गए तो तुम आजाद हो, और अगर तुमने किसी को छू लिया तो देशवासी तुम्हारी बोटियां नोच डालेंगे। निकलने का दरवाजा तुम जानती हो, जा। नहीं 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 शक्ति, मुझे माफ कर दो। अपने देश को संभालो, मेरे देशवासी, अपने देश